सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए, जहां पर आपको लगातार ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड कई सारे आप सभी को ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में अब हम बात करें तो बबीता पहुंच जाती है विसर्जन वाले जगह पे देखने के लिए कि विराट कहाँ गया, अमृता के साथ क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं पीछे से जयश और इसिका। जयश वहाँ पे पहुँचते हैं और सबके सामने बोलते हैं कि असली गुनाहगार ना आपकी मॉम है। और यहाँ पे ये बात सुनकर बबीता बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि जयश उससे किस तरीके से सबके सामने बेइज्जत कर रहे हैं। बबीता कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरीके से बात करने की। तो जयश कहता है कि गुनाहगार को गुनाहगार नहीं बोलूँगा तो और क्या बोलूँगा। फिर जयश कहते हैं कि विराट को बोलिए कि FIR न वापस ले ले, और अगर ये FIR वापस नहीं लेता ना तो मैं आपका नाम भी हम जोड़ देंगे। यह सुनकर बबीता शॉक्ड हो जाती है। तभी बबीता कहती है कि विराट को कि विराट ये लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मेरे इंसल्ट कर रहे हैं और तुम चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुन रहा है। विराट कोई जवाब नहीं देता। बबीता के इतना कहने पर बबीता शॉक्ड हो जाती है कि विराट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। विराट फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है, अपना सर झुका लेता है और यहाँ बबीता का कोई हेल्प नहीं करता है। बबीता काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है कि अब उसका बेटा उससे काफ़ी दूर चला गया है। अब आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा।